बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? स्टूडेंट्स, आप अपनी उर्दू की कहानी निकालिए। हम सब, सफा नंबर 1 और 2 खोलिए। ये कौन है? ये बानो है, ये बानो है और ये बानो का कमरा है। बानो कहाँ खड़ी हुई है? बानो कालीन पर खड़ी हुई है। कालीन का रंग क्या है? हरा। कालीन का रंग हरा है। और ये क्या है? ये बानो की पढ़ाई की मेज है। बानो इस पर पढ़ती है। ये बानो की किताब है। ये बानो का बस्ता है। ये क्या है? इसमें बानो ने पेंसिल रखी हुई है। और इस टोकरी में बानो ने अपने रंग रखे हुए हैं। और यहाँ एक छोटा पौधा भी रखा हुआ है। कितना प्यारा लग रहा है ना? और ये एक स्टूल भी है यहाँ। स्टूल के ऊपर एक गद्दी है। गद्दी का रंग भी हरा है। और स्टूल के ऊपर क्या है? ये बानो की गुड़िया है। और इस कमरे में क्या है? इस कमरे में एक तस्वीर भी है। कितनी प्यारी है ना? ये एक पार्क बना हुआ है और घर बना हुआ है। और यहाँ पे एक घड़ी भी है। बानो इसमें वक्त देखती है और अपने सारे काम वक्त पर करती है। और बानो के कमरे में गुलाबी रंग हुआ हुआ है। और ये जमीन कैसी है? ये जमीन पर मार्बल लगे हुए हैं। और बानो ने देखे, इतना प्यारा दुपट्टा भी ओढ़ा हुआ है। ये बानो का बिस्तर है। बिस्तर और तकिए का रंग हरा है। और ये क्या है? ये कचरा दान है। इसमें बानो कचरा डालती है। और ये हरे रंग का है। इसमें बानो सारा कचरा डालती है और अपने कमरे को साफ रखती है। है ना बेटा, आपको भी अपना कमरा साफ रखना चाहिए। जैसे इतना प्यारा लग रहा है ना बानो का कमरा, आपको भी अपना कमरा साफ रखना चाहिए। इसी तरह आपको अपनी पढ़ाई की मेज को साफ रखना चाहिए। पढ़ते वक्त वक्त का ख्याल रखना चाहिए। आपको भी अपना कमरा साफ रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को सफाई पसंद है। इसी तरह आप इसको दोबारा पढ़ें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।